भूपेश बघेल जिंदाबाद, आदरणीय भूपेश बघेल जिंदाबाद, किसान नेता भूपेश बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद। डाली जा रही है ऐसा स्वागत फरेदा की धरती पर ही ऐतिहासिक स्वागत है, आज कहीं भी जगह नहीं है जहां पर लोग। महाराजगंज पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान चेतना रैली में शिरकत की और कांग्रेस की नीतियों का बखान करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अयोध्या में जमीन खरीद धांधली का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ राम नाम जपना और पराया माल अपना करती है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट बना, लेकिन ट्रस्टी के लोग, अधिकारी और वहां के नेता, वो सब लोग किसानों से जमीन औने पौने दामों पर खरीद कर ट्रस्ट में करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं। ये लोग हैं जो राम नाम जपना पराया माल अपना। प्रियंका जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, अयोध्या में राम मंदिर बने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट बना और जो ट्रस्टी के लोग हैं, जो वहां के अधिकारी हैं, जो वहां के नेता हैं, वो सब जमीन किसानों से औने पौने दाम में खरीद के ट्रस्ट में करोड़ों रुपये में बेच रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने जांच की घोषणा की, इससे एक अधिकारी से, ताकि वो लीपापोती केयर कर सके। प्रियंका जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, तो जांच भी सुप्रीम कोर्ट के जज से होना चाहिए या हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए। ये कभी गाय के नाम से वोट मांगते हैं, कभी राम के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन राम का काम नहीं करते, गाय का काम नहीं करते। जानवर और छुट्टे में घूम रहे हैं, किसान रात रात भर रखवाली कर रहे हैं, राम के नाम से वोट मांगते हैं कि राम राज नहीं लाते। वहीं अखिलेश के बीजेपी और कांग्रेस के एक जैसे होने के बयान पर भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भरोसे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे, वो भूल गए हैं। अखिलेश बताएं कि वो 4.5 साल चुप क्यों रहे और जब 4 महीने चुनाव को बचे हैं वो बाहर निकले हैं। सपा कांग्रेस के भरोसे में उसके पिताजी मुख्यमंत्री बने थे, भूल गए क्या? उनके साथ गठबंधन किए थे 5 साल पहले, उसके कारण उसका खामियाजा हमको भोगना पड़ा, वो भूल गए? भाजपा के साथ आज ये बताए अखिलेश जी 4.5 साल चुप क्यों रहे, अब जब 4 महीने बचे हैं चुनाव के तब वो बाहर निकले हैं। जनता की सूत्र कभी नहीं ली, न किसानों की, न महिलाओं की, न दलितों की। आज जब चुनाव आ गया तो वो निकले हैं, लेकिन जो आक्रमण करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पिताजी पे ईडी सीबीआई का। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि प्रदेश में वक्त परिवर्तन की हवा चल रही है, प्रदेश पार्टी किसानों, नौजवान और महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए महाराजगंज से गुलाम गौस की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।